आराम आराम से। विश्रम मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पारदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में आज जिला पुलिस ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और कई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज भी कराए, जिसमें से एक तो जो दौड़ का आयोजन सुबह किया गया था उसमें जिला पुलिस के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। उसके बाद एक मार्च का आयोजन भी यहाँ कराया गया था, जो कि जो जितने भी एसपी ऑफिस के लोग थे उन्होंने इस मार्च पे हिस्सा लिया। और मार्च के पश्चात यहाँ पर मिनी सेक्रेटरीट के नीचे हमने एक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया था, जिसमें हमने एकता की शपथ सारे एसपी ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा दिलवाई गई। सब त्योहारी सीजन है, किस तरह के प्रबंध किए गए? काफ़ी अच्छे प्रबंध हम कोशिश कर रहे हैं करने की, जगह जगह आपने देखा भी होगा पिछले कुछ दिनों में हमने काफ़ी पुलिस फोर्सेस पर डिप्लॉय करके हमारी जो मोबाइल पेट्रोलिंग पार्टीज होती हैं उनको भी डिप्लॉय किया है, और जहाँ जहाँ पे ट्रैफिक की समस्या रहती है उनको हमने पॉइंट्स को आइडेंटिफाई भी किया है। विभिन्न व्यापारी संगठनों के साथ हमने मीटिंग भी बहुत पहले करी थी और उसमें जो भी हमने डिसीजंस लिए थे उसको इम्प्लीमेंट हमने करना शुरू कर दिया है। कोशिश हमारी रहेगी कि इस त्योहारी सीज़न में लोगों को कोई दिक्कत ना आए, कोई भी किसी तरह की जाम की समस्या लोगों को ना फेस करना पड़े। कोई ऐसा मैप तैयार किया गया है जिससे कि व्हीकल चोरी भी ना हो और शहर में जाम भी की स्थिति ना हो? जाम के लिए काफ़ी हम कई दिनों से प्रयास हम कर रहे हैं, आप काफ़ी रिजल्ट देखने को आ भी रहे हैं। जो इलीगल पार्किंग की समस्या थी उसको हमने काफ़ी टाइम से काफ़ी प्रयासों से काबू भी किया है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि पार्किंग की स्पेस की अवेलेबिलिटी का इशू शहर में रहता है, लेकिन फिर भी जो अवेलेबल पार्किंग शहर में आज की डेट में है वो पहले अंडर यूटिलाइज थी, तो हमने कोशिश करके उनको उनका यूटिलाइजेशन जो है वो 100% पहुँचा दिया है। सारी पार्किंग जो वैध बनी हुई हैं वो अभी पूरी तरह से भरी हुई हैं, और जगह जगह से जो लोग अवैध पार्किंग सड़क पर करते हैं उनको भी हटाने का काम हमारी पुलिस करती है नियमित रूप से। और त्योहारी सीज़न में क्योंकि थोड़ा वॉल्यूम ट्रैफिक का ज़्यादा हो जाता है, बाहर से भी लोग कई सारे आते हैं, तो उनके लिए भी हमने कुछ कुछ एरियाज़ में आइडेंटिफाई करा है, एडिशनल पार्किंग स्पेस भी क्रिएट करी है। कुछ कुछ जगह ऑटो का मूवमेंट भी हमने थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया है, और लोग जो दुकानदार सामान बाहर रख लेते हैं उससे कई बार सड़क स्पेस की कमी हो जाती है, उसको भी हमने थोड़ा सा काबू करने का प्रयास किया है। हालांकि कॉर्पोरेशन से भी इस संबंध में हमने बातचीत करी है और वो भी अपने लेवल पे प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस की तरफ से जो हमारे तरफ से बनता था हमने वो भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोशिश रहेगी कि इस त्योहारी सीज़न में लोगों को समस्या कोई ना आए। मैसेज यही है जी, कानून कोई अगर तोड़ेगा तो उसको कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे। कानून की जो कार्रवाई होती है उसमें बहुत कठिनाइयाँ आरोपियों को आती है। अपराध करने से पहले कोई नहीं सोचता है, लेकिन अपराध करने के बाद जो जिस तरह की कठिनाइयाँ उसको उठानी पड़ती है, तो मैं सभी से अपील यही करूँगा कि अपराध की दुनिया में ना जाएँ, अपना जो भी उनका कार्य है वो अपने पूरी निष्ठा से करें, गलत काम ना करें, और पुलिस अगर कोई टोकती है किसी चीज़ को मना करती है तो उसकी पुलिस के आदेशों की पालना भी करें। एक सवाल और है सर, नशे के प्रति किस तरह के जो प्रबंध किए गए, क्योंकि काफ़ी सतर्कता दिखाई दे रही है पुलिस की, कई बार जो सर्च ऑपरेशन भी चलाए गए? नशे में काफ़ी कार्रवाई हम कर भी रहे हैं, पहले भी करी हैं, सर्चेज हमने काफ़ी ज़्यादा जहां हमें इंटेलिजेंस इनपुट थे कि नशा या कई भारी मात्रा में पैसा हमें बरामद होने की उम्मीद थी, तो वहां पर हमने सर्चेज काफ़ी एक्सटेंसिव करी थी पिछले दो महीनों में। काफ़ी रिकवरीज भी वहां पर हुई हैं, अवैध जो संपत्ति अर्जित की गई है वो हमने बरामद भी करी है, उसका हम दिल्ली की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके थ्रू उसको अटैच कराने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। साथ साथ में हम जो एक पिट NDPS एक्ट होता है जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान होता है, उसमें भी तहत हम कुछ लोगों पर बहुत जल्द ही कार्रवाई करने वाले हैं। उसके अलावा जो हमारा एक नेटवर्क होता है पुलिस का, अभी हाल ही में माननीय पुलिस महानिदेशक के आदेशों पर ग्राम प्रहरी स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसमें प्रत्येक गाँव का एक पुलिसकर्मी इंचार्ज होगा जो उस गांव में जितना भी समस्त इंटेलिजेंस है और जो जानकारी है वो इकट्ठी करेगा। तो उन प्रहरी के नेटवर्क के माध्यम से भी हम सूचना आने वाले दिनों में इकट्ठी करेंगे कि कौन व्यक्ति नशा सप्लाई कर रहा है, कौन नशे में संलिप्त है और कार्रवाई अपना बिजनेस भी नशे के थ्रू कर रहा है, तो वो सारी जानकारी समय समय पर इकट्ठी होकर के और फिर उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी काफ़ी अच्छी कठोर कार्रवाई आगे के दिनों में करने वाले हैं।